पिछले वीडियो में हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस, लिंकेज रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, उसी को ETS भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिट करने से हमको अल्टीमेटली क्या फायदा होता है और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, इसका सभी का हम ओवरव्यू देखते हैं, दैट इज रिव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर से। अब पिछले लेक्चर का हम कुछ थोड़ा रिवाइज करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने ग्लाइकोलिसिस चलाई थी जिसमें क्या हुआ था, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हमारे पास दो पाइरूवेट के मॉलिक्यूल बने थे। उसमें हमको ATP का प्रोडक्शन हुआ था, NADH2 का प्रोडक्शन हुआ था। NADH2 का प्रोडक्शन के साथ साथ हमारे पास जब क्रेब्स साइकिल चली तो क्रेब्स साइकिल में हमारे पास FADH2 का भी प्रोडक्शन हुआ था। हमने कहा था कि NADH2 और FADH2 के पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रन कराना है ताकि अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो ATP का प्रोडक्शन हो। हमने कहा था कि एक NADH2 के मॉलिक्यूल से 3 ATP बनते हैं, एक FADH2 के मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 ATP बनते हैं। तो ये ATP NADH2 और FADH2 से किस तरीके से बनते हैं, यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में हमारे पास दो NADH2 के मॉलिक्यूल बने थे और साथ ही में 2 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था। क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 6 NADH2 फॉर्म हुए थे और साथ ही साथ हमारे पास 2 FADH2 के भी मॉलिक्यूल थे। उसके बाद हमने कोई उससे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल से पहले हमारे पास लिंक रिएक्शन भी चली थी। जब हमको एरोबिक रेस्पिरेशन कराना था, अब हम लिंक रिएक्शन चलाते हैं। लिंक रिएक्शन चलाने के बाद हमारे पास लिंक रिएक्शन से 2 NADH2 भी बने थे। अब इन सब के पास क्या होता है, इन सब के पास होता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, जो अल्टीमेटली कहाँ से आता है, सोलर एनर्जी से, जो कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट क्या करते हैं, NAD पॉजिटिव पे चार्ज करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यही इलेक्ट्रॉन हमने कहा था कि फूड की फॉर्म में ग्लाइकोलिसिस से हमारी बॉडी में आता है। तो इसी NADH2 के हाई इलेक्ट्रॉन का यूज करके हमको ATP का सिंथेसिस कराना है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 NADH2 बने और 2 FADH2 यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हुए। तो इनके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। अब इन सब का यूज करके हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमको ATP का सिंथेसिस अल्टीमेटली कराना है। तो अल्टीमेट एम क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, कि ATP का सिंथेसिस कराना, ठीक है। ATP का सिंथेसिस कराने के बाद हम उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। पहले हमने कहा था कि NADH2 का रीऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है। NADH2 इज रीऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। उसी तरीके से FADH2 भी इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन ETS में एंटर करेंगे, ठीक है। अब हम ये सब देखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन माने इलेक्ट्रॉन को लॉस जब हुआ तब वो ऑक्सीडाइज हुआ, तब उस कंपाउंड को हम ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड कहते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस को हम कहते हैं, इट इज प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहां तक समझ में आया। उसके बाद रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की अपोजिट होगी रिडक्शन की प्रोसेस। रिडक्शन माने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी कंपाउंड ने इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन का गेन किया,
तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं दैट इज रिड्यूस्ड कंपाउंड। ये सब टर्मिनोलॉजी हमको आगे आएगी, तो ये इस बेसिक से सिंपल से जो डेफिनेशन है उसको आपको याद रखना होगा। सिंपल है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ETS की प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये सब कंटिन्यूअस होने वाली प्रोसेस है, ये सब कंटिन्यूअस होने वाली प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि ETS का लोकेशन कहाँ है। अब आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस यानी कि हमारे पास सेल की एनर्जी करेंसी कौन सी होती है, सेल की एनर्जी करेंसी होती है ATP, यानी कि जो ATP का सिंथेसिस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में भी ATP का सिंथेसिस होता है वो, पर वो क्या होता है, वो प्रोसेस हमने कहा था कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे ETS में क्या होगा, ETS में जो है वो ATP का सिंथेसिस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ETS चलेगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ETS स्पेसिफिकली कहाँ चलती है ये हम देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ETS चलती है इनर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में कोई फोल्डिंग होती है। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स ETC एंड ATP सिंथेस फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ये बहुत सारी फोल्डिंग दिखती होगी, ये बहुत सारी ऐसी फोल्डिंग दिखती होगी। इस फोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी इज अ हाईली फोल्डेड सो दैट इट इंक्रीज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। क्रिस्टी फोल्डेड होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, आउटर मेम्ब्रेन के मुकाबले इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे हम ज्यादा केमिकल्स रिएक्शंस कर सकते हैं। अब इस क्रिस्टी के पास होता है, इस क्रिस्टी को हम साइट ऑफ ETS भी कहते हैं। इस क्रिस्टी के पास होता है ऑक्सीजोम नाम का एक कंपाउंड जिसको हम F1 पार्टिकल भी कहते हैं, और यहाँ पे होती है ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे पाई जाती है। अब हम बाकी के स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देख लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन क्या करता है कि पाइरूवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने में जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, जो ऐसे पाइरूवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के लिए जो गेट्स लगते हैं, जो जगह लगती है आने आने जाने के लिए, तो ये प्रोवाइड करने का काम करता है आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि इट कंटेन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर शटलिंग पाइरूवेट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरूवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने के लिए आउटर मेम्ब्रेन के पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में हमने देखा था कि मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल चलती है, जो भी क्रेब साइकिल के एंजाइम है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे हमारे इस मैट्रिक्स में। उसके बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज अ स्मॉल स्पेस टू क्विकली एक्यूमुलेट प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन करने के लिए इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन किस तरीके से होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद लिंकेज रिएक्शन चलेगी, लिंकेज रिएक्शन से एसिटाइल कोए बनेगा, एसिटाइल कोए एंजाइम क्या करेगा, क्रेब साइकिल में एंटर करेगा और NADH और FADH2 का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा, NADH और FADH2 का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा, और ये NADH और FADH माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो क्रिस्टी रहते हैं उस फोल्डिंग में ETS चलाएंगे। ETS चलाने के बाद हमारे पास ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो है वो ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे रिलीज होगा। अब उससे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अब हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोसेस में हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव होते हैं वो किसी सरफेस पर टकराते हैं, वो सरफेस होता है हमारा साइटोक्रोम। जैसे इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक कोई बॉल है, उस बॉल को हमने जमीन पे फेंक दिया। अब जमीन पे फेंकने के बाद वो बाउंस करेगा, मतलब जब भी वो बाउंस करेगा तभी यहाँ पे कोई एनर्जी वो रिलीज करेगा। उसने कोई एनर्जी रिलीज किया तो वो उसका बाउंस थोड़ा कम रहेगा, उसका बाउंस थोड़ा कम रहेगा, फिर से वो बाउंस करेगा,
उसका बाउंस इस तरीके से छोटा छोटा होता जाएगा और फाइनली वो जाके स्टॉप करेगा। इसी प्रोसेस के दौरान जब वो जमीन की तरफ टकराता है तो कोई एनर्जी का यहाँ पे लॉस होता है। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस के ऊपर टकराते हैं तो वो एनर्जी का लॉस करते हैं और उसी सरफेस को हम कहते हैं साइटोक्रोम। वो हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से साइटोक्रोम होते हैं और किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद एनर्जी का रिलीज करते हैं और उस एनर्जी का यूज करके किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो ओवरव्यू देखते हैं। द एनर्जी रिच ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स और अमीनो एसिड अंडरगो सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के बाद उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो एनर्जी है इनकी, ये स्टोर होती है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जो ट्रांसफर करते हैं NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव के पास, और NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव रिड्यूस होता है और फॉर्मेशन होता है हमारे पास NADH2 और FADH2 का, जो भी हमने देखा था कि क्रेब्स साइकिल में NADH2 और FADH2 का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये जो रिड्यूस कोएंजाइम थे, मतलब इन्होंने अभी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया तो ये रिड्यूस हो गए। हमने डेफिनेशन देखी थी कि जब भी कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करता है तो वो रिड्यूस फॉर्म में होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है जब वो ऑक्सीडाइज होता है। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हुआ था, ऑक्सीडाइज हुआ था, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था और लॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉन का गेन किसने किया था, वही इलेक्ट्रॉन का गेन किसने किया था, NAD पॉजिटिव ने। अब NAD पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, इसीलिए NAD पॉजिटिव रिड्यूस हो गया हमारा। रिड्यूस होने के बाद NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ NADH2 में। लेटर द टू रिड्यूस कोएंजाइम पासेस थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फाइनली रिड्यूस ऑक्सीजन टू वाटर। अब ये सब इलेक्ट्रॉन जो का ये सब जो इलेक्ट्रॉन है वो पास होते जाएंगे, पास होने के बाद वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे। देखते हैं हम किस तरीके से वो रिड्यूस करते हैं। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज एसोसिएटेड विद अ लॉस ऑफ फ्री एनर्जी। जिस तरीके से कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद हमने देखा था कि वो उसकी फ्री एनर्जी को लॉस करता है और उसी की वजह से हमारे पास ATP का फॉर्मेशन होता है। द पार्ट ऑफ दिस फ्री एनर्जी इज यूटिलाइज टू जनरेट ATP। ATP किससे जनरेट होता है, ATP और फॉस्फोइनर ADP और फॉस्फेट से। यह है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है। हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस के ऊपर टकराएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा और साथ साथ में वो हमारे पास प्रोटॉन का भी रिलीज करता है। प्रोटॉन का रिलीज करने के बाद ये प्रोटॉन फाइनली जाके ऑक्सीजन के ऊपर बाइंड होते हैं और हाफ ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस होता है और हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन होता है और इसी वाटर को हम मेटाबॉलिक वाटर भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। हमने कहा था कि इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन रेस्पिरेटरी प्रोसेस यूटिलाइज द फ्री एनर्जी स्टोर्ड इन NADH2 एंड FADH2। NADH2 और FADH2 में जो भी फ्री एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। फाइनली जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाता है और हाफ ऑक्सीजन और प्रोटॉन के मॉलिक्यूल मिलके H पॉजिटिव मिलके वाटर का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम कहते हैं इट इज अ मेटाबॉलिक वाटर। जो भी हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन लगता है वो इसी स्टेप में हमारे पास यूटिलाइज होता है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर्स टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाया रेडॉक्स। यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये दोनों प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली चलती यहाँ पे रहती है। एंड इट कपल्स दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने के साथ साथ जो है वो प्रोटॉन का भी ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के बाहर।
द साइट ऑफ ईटीएस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ईटीएस की साइट देखी हमने, ईटीएस की साइट कौन सी होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब हम प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से होते हैं। प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पास, तो साथ साथ में हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी चीज पर टकराएगा तो वो प्रोटॉन का भी रिलीज करता है। प्रोटॉन का रिलीज करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं। ऐसे हमारे पास पांच प्रकार के जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो पांच प्रकार के कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होते रहता है और प्रोटॉन जो है वो रिलीज करते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, यानी कि जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है वहां पे प्रोटॉन का रिलीज किया जाता है। एच पॉजिटिव आयन वहां पे रिलीज होते हैं और इसी एच पॉजिटिव के ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके एटीपी सिंथेस क्या करता है, एटीपी का सिंथेसिस करता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पर बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सिर्फ हमको एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कराना है। तो अब देखते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले क्या होता है हमारे पास, हमने कहा था कि हमारे पास NADH2 है, NADH हमारे पास है, NADH2 को NADH भी कह सकते हैं हम। अब NADH क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब इसका क्या हुआ, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के बाद, इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और हमारे पास NAD पॉजिटिव का फॉर्मेशन हुआ। NAD पॉजिटिव का फॉर्मेशन होने के बाद ये NAD पॉजिटिव फिर से हमारा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में एंटर होने के लिए तैयार है। मतलब जब अगर हमको ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल चलानी है एरोबिक कंडीशन में, तब हमको जो रीजनरेशन ऑफ NAD पॉजिटिव किस कहां पे होता है, रीजनरेशन ऑफ NAD पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जब एनारोबिक कंडीशन होती है, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में हमने कहा था कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ऑब्सेंट होते हैं, तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्सेंट होते हैं, वहां पे ईटीएस भी नहीं चलती, इसीलिए हमने एरोबिक रेस्पायरेशन हमने जो है वो स्टडी किया था, जिसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस हमने देखी थी। उसका अल्टीमेट एम क्या था कि NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन कराना, जिसमें हमने पाइरुवेट से लैक्टेट बनाया था, पाइरुवेट से इथाइल अल्कोहल भी बनाया था। मतलब अल्टीमेटली हमने क्या किया था, NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन किया था। और यहाँ पे एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईटीएस चलती है और ईटीएस चलती है इसीलिए NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन होता है, और NAD पॉजिटिव अगर रीजनरेट हुआ तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, जो कि सेल के लिए रिक्वायर्ड है। अब आगे देखते हैं, NADH ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अब NADH ने तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वो एक्सेप्ट किया FMN ने, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड ने, और FMN कन्वर्ट हुआ FMNH2 में, ठीक है। अब FMNH2 के पास जो उसके एक्टिव साइट पे FES फेरस सल्फेट प्रेजेंट होता है, जो कि मेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। अब FMNH2 क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा यूबिकिनोन को, यूबिकिनोन क्या क्या करेगा, यूबिकिनोन फॉर्म होगा यूबिकिनोन H2 में, यूबिकिनोन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा, यूबिकिनोन जो पहले ऑक्सीडाइज स्टेट में था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो रिड्यूस स्टेट में चला जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हमारे पास हाइड्रोजन आयन का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं, पहले FMN था और बाद में FMNH2 बना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट था। अब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने ट्रांसफर किया अपने इलेक्ट्रॉन यूबिकिनोन को, यूबिकिनोन पहले सिंगल था, उसके बाद यूबिकिनोन रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस यूबिकिनोन को हमने इस तरीके से लिखा, मतलब यहाँ पे भी इसके साथ साथ H2 आया। पर यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है
जब यूबिकिनॉन अपना रिड्यूस यूबिकिनॉन अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को देखता है, जो कि पहले ऑक्सीडाइज स्टेट में था, बाद में रिड्यूस स्टेट में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है तो यहाँ पे प्रोटॉन बाहर छोड़ देता है, मतलब यहाँ पे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन का रिलीज कर देता है, यहाँ पे प्रोटॉन हमारा रिलीज हो गया। और हमने कहा था कि साइटोक्रोम बी के पास यहाँ पे प्रोटॉन का रिलीज होता है, और उसके बाद जब ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम बी अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा साइटोक्रोम सी को, तो जो साइटोक्रोम सी वन ऑक्सीडाइज स्टेट में था वो कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस स्टेट में। उसके बाद जो साइटोक्रोम सी वन था रिड्यूस स्टेट में, वो इलेक्ट्रॉन देने के बाद साइटोक्रोम सी को फिर से ऑक्सीडाइज स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम सी वन। साइटोक्रोम सी वन से इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम सी के पास। अब ये साइटोक्रोम सी जो है वो है हमारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। साइटोक्रोम सी इज अवर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच टू आउटर सरफेस एंड एक्ट एज अ मोबाइल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन ले जा सकता है, ये दिस इज अ मोबाइल कैरियर। ठीक है, अब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज स्टेट में जो है वो साइटोक्रोम सी जो रिड्यूस स्टेट में था हमारा, वो इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम सी ए को, और साइटोक्रोम सी ए कॉम्प्लेक्स क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है साइटोक्रोम ए थ्री को। यहाँ पे दोनों एक साथ दिखाई दिए है, ये सब हो जाने के बाद ये साइटोक्रोम सी ए और ए थ्री रिड्यूस स्टेट में चले जाते हैं, और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसे कि हमने कहा था कि साइटोक्रोम सी ए थ्री क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास दे देता है, और हाफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होता है, और हाफ ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे जो प्रोटॉन का यूज करके, दो प्रोटॉन का यूज करके, और एक हमारे पास हाफ ऑक्सीजन का यूज करके हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन होता है, इसी वाटर को हम मेटाबॉलिक वाटर भी कहते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रह गया था हमारा कि कॉम्प्लेक्स सेकंड, जब क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट से फ्यूमारेट का फॉर्मेशन होता है तब FADH2 का फॉर्मेशन होता है, जो FADH2 का फॉर्मेशन करने वाला कॉम्प्लेक्स है दैट इज कॉम्प्लेक्स सेकंड, उसी को हम FADH2 भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड दैट इज FADH2 वो अपना इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली यूबिकिनॉन के पास ट्रांसफर करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन कोई कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास नहीं देता है, वो डायरेक्टली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यूबिकिनॉन को, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो चलती रहती है। और ये हमने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना, उस ये जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है ये फॉर्मेशन होगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और इस प्रोटॉन की ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके जो है वो ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स ADP का कन्वर्शन ATP में करेगा। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो हमने कॉम्प्लेक्सेस देखे थे उसके हम नाम अभी देखते हैं। द NADH फॉर्म इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल इज ऑक्सीडाइज्ड, मतलब NADH ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, और ये काम किसने किया है, ये काम किया है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम याद रखिए NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। द इलेक्ट्रॉन इज देन ट्रांसपोर्ट टू यूबिकिनॉन, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा यूबिकिनॉन के पास, डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स सेकंड कौन सा है हमारा पास, कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या है हमारा FADH2 जो भी क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व था। यूबिकिनॉन ऑल्सो रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH2 दैट इज कॉम्प्लेक्स सेकंड विच जनरेट फ्रॉम सक्सिनेट ड्यूरिंग साइट्रिक एसिड साइकिल। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे NADH का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास, कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है यूबिकिनॉन के पास, कॉम्प्लेक्स सेकंड से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है यूबिकिनॉन के पास,
कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा फिर से यूबिकिनोन के पास, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कहा था हमने, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इज NADH डीहाइड्रोजिनेज, NADH का डीहाइड्रोजिनेज करने वाला एंजाइम, NADH का हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाला, ऑक्सीडाइज करने वाला एंजाइम। After the acceptance of electron, the ubiquinone is reduced. Ubiquinone उसके बाद क्या होगा? Reduced, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया। हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना मतलब रिडक्शन होना। Then transfer to electron from cytochrome bc1 complex, that is complex third. Cytochrome bc1 क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा cytochrome c को, जो कि क्या है हमारा एक स्मॉल मोबाइल प्रोटीन, विच कैरीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थर्ड टू कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ पहुंचाने का काम कौन करता है? साइटोक्रोम सी, दैट इज मोबाइल प्रोटीन, यानी इट इज मूवेबल प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स फोर, कॉम्प्लेक्स फोर का नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज हैविंग साइटोक्रोम ए एंड ए थ्री विथ टू कॉपर सेंटर्स। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास दो कॉपर के सेंटर होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम किसको करते हैं? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम ये करते हैं, दैट इज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्यूप्रस आयन जो है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। फाइनली फाइनली क्या होता है, जो हमारे पास पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा प्रोटॉन ग्रेडियंट हमारे पास यहाँ पे बना, ठीक है। तो इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके, इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके एटीपी सिंथेस क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी करता है और वाटर का रिलीज करता है। तो यहाँ पे समझ में आया आपको, बहुत ईजी स्टेप है, सिर्फ आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्सेस के नाम आपको अच्छी तरीके से याद करनी है, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। आपके टॉपिक में दिया है सिर्फ रिव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सभी कॉम्प्लेक्स के नाम आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। एटीपी सिंथेस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये एटीपी सिंथेस के पास दो पार्ट रहते हैं, एक F0 और F1। एटीपी सिंथेस को F1 F0 पार्टिकल भी कहते हैं। F1 पार्टिकल जो है वो बाहर रहता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और F0 पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, मतलब अंदर की साइड में F0 पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास एटीपी का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज कपल्ड टू कॉम्प्लेक्स 4, दैट इज एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5 के साथ, जो 5 नंबर का कॉम्प्लेक्स है हमारा वो कौन सा है, एटीपी सिंथेस, उसके साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस कपल्ड रहती है और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यहाँ पे होता है। द प्रोसेस ऑफ द एनर्जी, द प्रोसेस इन दिस प्रोसेस द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज यूटिलाइज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस है उसकी एनर्जी को क्या किया है, हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया, और फॉर इसीलिए इस प्रोसेस को हमने कहा था इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूटिलाइज बाय एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली एटीपी का प्रोडक्शन हुआ। बट जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कौन सा था हमारे पास, वो था हमारे पास ऑक्सीजन, वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर हमारा था। आप बोलोगे कि सर ये H पॉजिटिव में ऐसा क्या रहता है, तो H पॉजिटिव के साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन अटैच रहता है, इसीलिए उसमें एनर्जी रहती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा फास्ट हुआ होगा तो फिर से लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा। अब आपके बुक में जो है उसको अच्छे से देखिएगा और उसमें अपने मन से या फिर वीडियो देखते देखते आप अपने नोट्स बनाइएगा अच्छे से। थैंक यू, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।